हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह आपका नॉलेज एवरीथिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है। तो सबसे पहले बात करें जनरेशंस होती क्या है। जनरेशन जो हम टर्म है, द टर्म जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैरायटी ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, कि जो हमारी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उनमें क्या डिफरेंस आया है। तो हमारे पास टोटल पांच जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन आया हमारी, वो आई थी 1940 और वो ख़त्म कब हुई थी 1956। और जो ये कंप्यूटर था इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स, एंड स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। सेकंड जनरेशन जो हमारी सेकंड जनरेशन थी वो आई थी 1956 एंड 1963 में वह ख़त्म हुई थी। इसमें हमारा ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी थर्ड जनरेशन आई वो थी आई 1964 एंड विलुप्त हुई 1971। इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हो चुका था, लाइक अ मदरबोर्ड विच आर सिलिकॉन चिप एंड विच इनपुट द ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा एंड अ फुली सर्किट आर फॉर्म। उसके बाद हमारी फोर्थ जनरेशन आई 1971 में आई और 2010 में वो ख़त्म हो चुकी है। अब नाउ प्रेजेंट फिफ्थ जनरेशन इज नाउ टाइम, ये टाइम हमारा उसका है। इस जो इसमें था हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ चुका था और नाउ इट प्रेजेंट फिफ्थ जनरेशन। तो जनरेशन्स में क्या है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसमें एनिक ENIAC यूनिएक IBM कंपनी ने सबसे पहले इसमें कंप्यूटर की शुरुआत करी। इसमें वैक्यूम ट्यूब बिग एंड क्लमसी था, हाई इलेक्ट्रिकल कंजप्शन था, वेरी लार्ज एसी रिक्वायर फॉर बिकॉज दिस कंप्यूटर इज़ अ वेरी हाई हीटेड, लोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर, इफ इलेक्ट्रिसिटी फेल सो एवरी वर्क वे शुड बी वेल। ये है मेरी द्वारा लिखी हुई बुक, ओके। तो इसके हिसाब से देख लीजिए आप क्या हिसाब था वह, यूज़ ऑफ द वैक्यूम ट्यूब बिग एंड क्लम्पी, हाई इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, प्रोग्राम एंड मैकेनिकल लैंग्वेज, लार्ज ए सी रिक्वायर्ड एंड सैगरा लोसेज के अंदर फास्टर एडवांटेज ये कि ये ज़्यादा फास्टर है एंड देर टाइम्स मैकेनिक मशीन लैंग्वेज थी ओनली उस टाइम। द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वे इंट्रोड्यूस ड्यू टू द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज, उस टाइम ये एक हमारी शुरुआत की पीढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हम इसकी डिसएडवांटेज, वेरी बिग साइज, नॉट रिलेबल, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टेंट मेंटेन रिक्वायर, जो कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस थी उसकी रिक्वायर्ड थी। उसके बाद मोर कॉस्टली, वेरी स्लो इन स्पीड। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन थी वो ये हिसाब से है, इसकी जो जनरेशन थी IBM 1620 आ चुका था, IBM 1790 आ चुका था, डिजिटल डाटा कोऑपरेटिव थी, माइक्रो कंप्यूटर की एज यूज़ हो रहा था, बट मिनी कंप्यूटर तो था बट साइज मिनी नहीं था, साइज इसका रोम जितना ही था। उसके बाद बात करते हैं हम इसके यूजेस की, इसमें क्या क्या था, ट्रांजिस्टर से कोर मेमोरी आर डिवलप फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन, लार्ज ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग एंड मशीन लैंग्वेज कम थी, असेंबली लैंग्वेज आ चुकी थी, मेंटेनर ऑफ डिस्क वेयर यूज, मेंटेनर डिस्क भी इसमें यूज़ हो चुकी थी। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड जनरेशन आती है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है, दिस जनरेशन द फेल फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, जो ट्रांजिस्टर सर्किट है उसको इससे हमने इंटीग्रेट कर देता। द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर द इंटीग्रेटेड दैट इज़ IBM 360 सीरीज इन 1970, अभी भी है वो हमारे पास, CDC 7600, 16 बिट मिनी कंप्यूटर थे ये सारे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मेन एडवांटेज थी इन कंप्यूटर की, इंटीग्रेट सर्किट था, फास्ट इन वर्किंग थे, स्मॉल साइज था देन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। उसके बाद अगर हम बात करें
उसके बाद हम अगर बात करें एडवांटेज क्या थी, स्मॉल इन साइज प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी लो, वेरी फास्ट कंप्यूटर, मोर रिलेबल, मोर पावर लो पावर कंजप्शन एटसेट्रा, फोर जनरेशन हाई हमारे पास वो थी हमारे 1971 से 2010 में ख़त्म हो चुकी। एग्जांपल फोर जनरेशन कंप्यूटर वेयर इंटेल जो आज भी हमारे पास है, बेस्ड ऑन मोटरोला आईबीएम 390 एटसेट्रा 3090, और सबसे इम्पोर्टेंट P4 वगैरह भी उसी जनरेशन के हैं। जो हमारे पास इंटेल का P4 कंप्यूटर है वो भी दो, ये P4 हमारा जो PC है वो इसी फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करता है। बट नाउ टुडे इज़ प्रेजेंट ऑन अ फिफ्थ जनरेशन दैट इज़ फोस्ट फास्टिंग इंटेल एप्पल वगैरह जो इसको यूज़ करती है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वेरी फास्ट था, पेंटियम 4% कंटेंट्स, 160 मिलियन ट्रांजिस्टर, जो पेंटियम सीरीज थी उसके 4% पार्ट, यानी कि इतने से पार्ट पर, ये देखिए इतने से पार्ट पर 4 मिलियन ट्रांजिस्टर, 160 मिलियन ट्रांजिस्टर, 400 मिलियन ट्रांजिस्टर ऐसे वगैरह वगैरह इसमें यूज़ किया गया था। सो हैव बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मेमोरी डिवलप थ्रू द इंडिकेटर सच वॉइस रिकॉग्नाइज सुपर कंडक्टर हेल्पिंग एटसेट्रा। अब ये इसमें क्या था, इसके बीच में हमारे पे क्या फ़ायदा था, सुपर कंडक्टर यूज होते, स्पीच रिकॉग्नाइज, इंटेलिजेंट रिबोट था ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थी, पैरेलल प्रोसेसिंग थी, यानी एक साथ हम काफ़ी सारी वर्किंग्स को हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, ए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव एट क्रिएटेड बाय कैरी डिसएडवांटेज, हाउएवर डज नॉट मीन दैट विल बी परफेक्ट। इसमें सब कुछ है बट इसकी कुछ डिसवांटेज, आपको पता है कि इम्पोर्टेंस के साथ कुछ डिसवांटेज भी होते हैं। तो मेरे फ्रेंड